स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और मेरा नाम है सरफराज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SFJ व्लॉग। मैं भी काफी दिनों से स्ट्रगल किया मतलब क्लीनिंग करने के लिए बाइक, बट क्लीन नहीं कर पाता था। दो तीन लोगों से पूछा अपने दोस्तों से कि कौन सा मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी कंपनी का होना चाहिए, कहाँ से मैं परचेज करूँ, तो किसी ने आइडिया दिया तो मैंने परचेज कर लिया। तो आज फाइनली प्रोडक्ट आ गया है, तो इसे देख करके तो आप समझ जाओगे ये क्या प्रोडक्ट है। ये है एक पैडॉक स्टैंड। सुपर बाइक क्या किसी भी बाइक में आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो इसका यूज़ मैं आज करने वाला हूँ। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग करने में बहुत टाइम लगा है, ये देख सकते हो आप। इसको अनबॉक्स कर लिया है मैंने आधा ही, क्योंकि बिकॉज़ वो पार्ट का मैंने पॉलिथीन पिन नहीं हटाया, बिकॉज वो ख़राब ना हो जाए, इसके लिए स्क्रैचेस वगैरह हो जाते हैं, वो दिखते रहते हैं। बाइक के फ्रेम के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको बिल्कुल फिक्स नहीं किया है, क्योंकि मैं अपनी बाइक का पहले देखूंगा फ्रेम कितना दूरी पर है, उसके बाद ही मैं इसको बिल्कुल परमानेंट वाला फिक्स कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पैडॉक स्टैंड अपनी बाइक के लिए परचेज किया है, तो आज मैं इसको यूज़ करके अपनी बाइक को क्लीन करने वाला हूँ। सबसे पहले जो ये साड़ी गार्ड लगा है, यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। तो अभी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पैडॉक के जो अकेले बंदे से नहीं लगाया जा सकता, ये मैंने ट्राई कर लिया, अभी दो तीन बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, बट इतनी हैवी बाइक पर पैडॉक लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये मैं अकेले नहीं करने वाला हूँ, अभी किसी को बुलाता हूँ, देन आई विल ट्राई इट अगैन।
तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे अपनी बाइक को क्लीन कर सकते हैं, चेन को अच्छे से ल्यूब कर सकते हैं, और क्लीनिंग भी मतलब इतना, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना बाइक का, मतलब इसकी हालत ऐसी थी कि ये दिखता भी नहीं था, बिल्कुल ब्लैक था। अभी इसको चेन क्लीनर जो स्प्रे से क्लीन कर रहा हूँ तो पूरी इसकी रस्ट निकल गई है, जो भी इस पर ग्लू था, कोई फ्लूइड था, ऑयल था, सब कुछ निकल गया है। तो इसी तरह से इस प्रोसेस को आप आगे भी देखते रहिए, दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये बेसिक तरीका था चेन क्लीनिंग एंड ट्यूबिंग करने का, देख सकते हो आप रिजल्ट, ये देखिए। तो चेन कितनी क्लीन हो गई है, और ये जो चेन सॉकेट है, चेन स्पार्कट जो भी इसे बोलते हैं, चेन स्पार्कट को भी देख सकते हो कितना क्लीन हो गया है। तो इसी तरह इसी तरीके से आप बेसिकली घर पर अपनी बाइक की चेन ल्यूब सर्विसिंग ये सब कुछ कर सकते हो इजीली वे में और इजीली तरीके से, क्योंकि अभी तक मेरी भी बाइक की जब से मैं लाया था तब से अभी तक अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है, ये फर्स्ट टाइम मैंने की है और काफ़ी अच्छा लगा सब देख करके बाइक को। तो बस यही बताना चाहता था इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।